आपका स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। आज आया हूँ मैं कन्याकुमारी। कल था मैं मदुरई से रात को 11:30 बजे मेरी ट्रेन थी। ट्रेन पकड़ के मैं नागरकोइल जंक्शन पर आया। नागरकोइल जंक्शन से कन्याकुमारी की दूरी 16 किलोमीटर है। आपको बस मिल जाएंगी नागरकोइल जंक्शन से, जिसका किराया होगा आपका सिर्फ 16 रुपया या 18 रुपया। 18 रुपया किराया है नागरकोइल जंक्शन से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी आने के बाद मुझे जाना था स्मारक पर, लेकिन स्मारक के लिए लाइन पर 1000 से ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं। स्मारक में जाने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा लाइन में बिताना पड़ता था, इसलिए मैंने स्मारक में जाने का जो मेरा प्लान था वो कैंसिल कर दिया है। अब स्मारक के बाजू में ही कुछ इस प्रकार का रास्ता तैयार किया है। हेलो, ये वहाँ तक है, वहाँ से वहाँ तक है। ऐसा ही रास्ता अगर वहाँ से वहाँ तक कर दिया होता तो लोगों को बोट पर निर्भय नहीं रहते, तुरंत ऐसे रास्ते से निकल जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये रास्ता कई और ही बना के रखा है उसके बगल में, इस बाजू में। ये देखिए आप, वहाँ से सीधा लाइन है, तो ही लाइन सीधा जाकर वहाँ बोट हाउस तक रुकती है। वहाँ से बोट में बैठने के बाद वो बोट हमें स्मारक तक लेके जाती है और मेमोरियल तक लेके जाती है। लेकिन ऐसा ही रास्ता अगर गवर्नमेंट ने यहाँ से ऐसा जो ये रास्ता है यहाँ से रास्ता अगर वहाँ से वहाँ तक भी किया होता तो भी लोग वहाँ से स्टैचू तक जा सकती थी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा रास्ता कर दिया है गवर्नमेंट ने, यहाँ से बहुत दूर तक ही सीधा वो यही रास्ता वहाँ होता वहाँ से मंदिर तक हो जाता था कंप्लीट। यहाँ पत्थर डालने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, वहाँ ही पत्थर डाल देते थे तो गाड़ी ज़्यादा निकल जाती थी। कुछ ऐसा हाल है यहाँ का कन्याकुमारी। अभी वो व्यू पॉइंट तक जाना है हमें। थोड़ा नज़ारा देखा था आपको पूरे गांव का। यहाँ पर ये चर्च है, वहाँ भी एक आगे 2 चर्च है। यहाँ पर वहाँ मंदिर है, वहाँ भी मंदिर है आगे। वहाँ कुछ तो भी नाव खड़ी है, बहुत दूर है। और ये जो रास्ता है यहाँ से आप पैदल आ सकते हो। आपको अगर वहाँ नहीं जाना है, वहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ तक लाइन है, सब लाइन में आते हुए दिख रहे होंगे आपको। वहाँ से पीछे से आकर आप इस रास्ते से आगे तक जाकर आप व्यू पॉइंट ले सकते हैं। ये बाजू में स्मारक है और एक टेम्पल है। आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं, वो जो स्मारक है जो मेरे पीछे है, इसे तिरुवल्लूर मूर्ति कहते हैं। तिरुवल्लूर, ये तिरुवल्लूर मूर्ति है। ये तिरुवल्लूर की रचना करने वाले अमर सलीम कवि तिरुवल्लूर की यह प्रतिमा पर्यटकों को बहुत लुभाती है। 38 फीट ऊंचे आधार पर बनी यह प्रतिमा 95 फीट की है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई
33 फीट की है और इसका वजन 2000 टन का है, इसलिए इस प्रतिमा को बनाने में कुल 1283 पत्थर के टुकड़े का उपयोग किया गया है, यानी 2000 टन की वो मूर्ति है। अब इस ब्रिज के कुछ नज़ारे देख लीजिए, वहाँ पर जाते जाते बहुत ही पत्थर वाला रास्ता है, यहाँ पर पत्थर पत्थर कूद कूद कर जाना पड़ रहा है। छाटने लगा इतनी मशक्कत करने के बाद, कब मिलेंगी उनको एक मछली और कब हो जाकर घर में खाएंगे मछली को। और सामने मंदिर स्मारक, वहां पर बोट हाउस।
अजीब लगता है। बहुत बड़ी लाइन थी बोट में बैठने के लिए स्मारक पर जाने के लिए। अगर लाइन में खड़ा रह जाता था तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती थी रामेश्वर की जैसी। तो फिर 3 बजे मेरी ट्रेन है त्रिवेंद्रम जाने के लिए। त्रिवेंद्रम जाना आगे तिरुवनंतपुरम, उसको अभी उसका लेटेस्ट नाम है तिरुवनंतपुरम। वहाँ पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाना है। बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पर, आपको कैमरा नॉट अलाउड है, अंदर कैमरा मोबाइल आप नहीं ले जा सकते। बाहर राव लॉकर रखे आप रख देना मोबाइल, आपको अंदर इजाज़त नहीं है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने के अंदर मंदिर के। और आप साउथ में आ रहे हैं तो आपको खाने के लिए सिर्फ राइस वाले आइटम मिलेंगे, ज़्यादा रोटी भी मिल सकती है लेकिन उतना नहीं जितना आपको इडली मिलेंगी, डोसा मिलेगा और सांभर क्या रहता, और राइस मिलेगा, दाल मिलेगी, पर इससे आपको काम चलाना पड़ेगा। अगर आपको आपके जैसा खाना खाना है तो आपको ढाबे में जाना पड़ेगा। एक आधा लिखा हुआ मारवाड़ी ढाबा, राजस्थान ढाबा, महाराष्ट्र ढाबा, गुजराती थाली, पंजाबी थाली, ऐसे होटल में आप जाए तो आपको मिल सकता है कुछ आपके स्टेट देश। यहाँ पर आपको अरबी समुद्र, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों का संगम यहाँ पर होता है। वहाँ पर देखेंगे आप तो वहाँ जो पानी है उसका रंग अलग है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पानी का रंग अलग है, और पीछे जो है वहाँ पर पानी का रंग अलग है। ये जो है वो नीला पानी है, और वहाँ पर है जैसे मिट्टी मिली है ऐसा पानी है वहाँ का, और यहाँ का थोड़ा अलग ही पानी है। यानी तीनों जो समुंदर है वो यहाँ पर आके मिलते हैं। आपको साफ दिखाई देगा पानी में फ़र्क, ये पानी अलग और ये पानी अलग। एक पानी बहुत साफ सुथरा तो दूसरा पानी थोड़ा कम साफ सुथरा। एक पानी में आपको मछलियाँ दिख जाएंगी, एक पानी में आपको पत्थर भी दिखेगा नहीं अंदर, ऐसा हाल ही। आप नज़ारे मौसम का आनंद ले। फर्स्ट टाइम इन कन्याकुमारी? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम सिंगल
घंटे ट्रेन लिया नहीं ट्रेन रामेश्वरम तो भाई कैसा कुछ हाल था यहाँ का। अब निकलता हूँ यहाँ से, जाना है नागरकोइल टाउन जंक्शन। और नागरकोइल जो जंक्शन है वो अलग है और नागरकोइल टाउन जो रेलवे स्टेशन है वो अलग है। वो 3 किलोमीटर है उसका डिस्टेंस नागरकोइल जंक्शन से नागरकोइल टाउन जो रेलवे स्टेशन। अब मेरी जो ट्रेन है नागरकोइल टाउन से रहेंगी, वहाँ पर मुझे जाना है। अभी जल्दी से यहाँ से निकलूँगा मैं, तब तक आप समुंदर के नज़ारों का व्यू देखिए। भाई अभी भी लगे हुए, एक मछली नहीं आई इनकी कब से, 2-3 घंटे से ट्राई कर रहे हैं बेटे मछली कब मिलेंगी इनको, मछली क्या मतलब।